अच्छा मान साहब, आपने भी पिछली बार जो है आप कूद गए थे जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ जी, लेकिन इस बार बड़ा आप सेफ सीट चुना है आपने धुरी का, तो क्या हुआ? मतलब वो गलती लगी, हारने सब कुछ सिखा दिया, या ओवर एक्साइटमेंट छोड़ दिया आपने? आप सेफ सीट किसको कहते हो? मुझे जो है, जितना लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए तो सभी सीटें सेफ है। फिर जब मैं बागा पुराना जाता हूँ, कहते यहाँ से लड़ेगा, मानसा में रैली करने गए, कहते यहाँ से तैयारी है इसकी, तो मुझे तो हर जगह से लोग कहते हैं यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। धूरी में पहले भी 14 में भी और 19 में भी 30,000 के मार्जिन से हम जीते, और जलालाबाद में मेरी भी ड्यूटी लगी, पूरे पंजाब में रैलियाँ की, 58,000 से ज़्यादा वोट मिले। इस बार अवनीत बिट्टू क्यों नहीं लड़ रहे सुखबीर के खिलाफ? इस बार कैप्टन अमरिंदर बादल के खिलाफ क्यों लड़ रहे? अभी सीटें अनाउंस होनी है, वो तो कल गए ही नहीं। रवनीत बिट्टू तो जो राहुल गांधी लंबी जलालाबाद पटियाला, लंबी से बादल आए अमरिंदर सिंह, और जलालाबाद से रवनीत बिट्टू आया कि भाई भगवंत मान को जीतने देना। कांग्रेस की प्लानिंग थी कि सुखबीर को जिताना है और बादल साहब को जिताना है। इससे बड़ी और क्या एग्जांपल होगी कि ये दोनों मिले हुए हैं? इस बार क्यों नहीं रवनीत बिट्टू? यानी आपको मिलकर हराया, वरना आप नहीं हारते। रवनीत बिट्टू का क्या लेना देना था जलालाबाद में? एमपी थे लुधियाना से, एक दिन पहले मतलब उनको कहा गया जाके कागज भरो, बड़ा नेता आ जाता है तो जो वोट है वो वहीं पे रुक जाती है। कैप्टन साहब, आपको पता है, आप कहते मुझे कहते आप जलालाबाद से हार गए, आपने कभी ये पूछा? कैप्टन साहब भी हार गए थे लंबी से, भट्टल भी हार गई, बिरसा सिंह बटोआ हार गया, दलजीत चीमा हार गया। तो हमें लोगों ने 20 सीटें दी, कहते जी आप हार गए। उन सब में कोई सीएम का चेहरा थोड़ा है? 0 से 20 पहुंचने वाले तो हार गए, 54 से 15 आने वाले कहते इनका तो ठीक रह गया, ये तो ठीक रह गए। सो हमें तो उसमें भी जीत मिली है। कई बार लोग टेस्ट लेते हैं, 12 में मैं हार गया था राजेंद्र कौर भट्टल से पीपीपी की तरफ से, 2 साल में लगा रहा उसी इलाके से 2.25 लाख से जिताया। कई बार लोग भी चेक करते हैं कि थोड़ा हरा के देखते हैं कहीं भागता तो नहीं है ना, सच्ची मुची सेवा करने आया ना, हम खड़े लोगों के साथ खड़े। आप ये जो बातें कर रहे हैं, चाहे 1,000 रुपया देंगे, चाहे हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, बाकी लोगों के जन कल्याण के जो भी काम करेंगे, आपने टाइम फ्रेम तो किया होगा ना? मान लीजिए आपकी सरकार बन जाती है तो 1,000 रुपया क्या उसी महीने से मिलने लग जाएगा? नहीं नहीं, देखो 10 ऐसा मत करना भाई, 10 तारीख को सरकार बनेगी, 11 तारीख को आप आ जाओ माइक लेके। तो बताइए ना, तो 5 साल मांगे हैं जी, 5 साल में कर देंगे। सुनो, 4 साल बाद होने लगेगा। 5 साल में अगर ना करें, अगली बार भगवंत भी नहीं आएगा वोट मांगने, मैं भी नहीं आऊंगा वोट मांगने। 5 साल मांगे हैं, 5 साल में सारे काम करेंगे। क्या वो 4 साल के बाद मिलने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होगा, सारी चीजें होंगी। पहले साल में 2 या 3 वादे पूरे होंगे, दूसरे साल में बजट को भी तो उस तरह से बनाना पड़ेगा ना। मतलब पहले कोई स्कूल अस्पताल पहले साल में ही ठीक होने चालू हो जाएंगे, इन्होंने भी काफी प्लान किया हुआ, बताएंगे जी, जी। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि कैप्टन साहब ने भी वादे इतने लंबे कर दिए थे, अब उनके हिसाब से वो वादे पूरे हो गए, लेकिन मुझे लगता है लोगों को लगता होगा कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सो वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप टाइम फ्रेम के साथ, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, झूठ बात है। हमने दिल्ली के अंदर सारे वादे पूरे किए, इसीलिए दिल्ली वालों ने दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी है। दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं हमसे। अच्छा, आज आपके चैनल के जरिए मैं एक और ऐलान करता हूँ, आप लोग सारे, आपके दिल्ली में रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, फोन करके अपने दिल्ली के लोगों से पूछ लेना, अगर दिल्ली के लोग कहें केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है तो पंजाब में वोट देना, वरना वोट मत देना। मालवा में बहुत अच्छी पोजीशन है, आपके भी रोज सर्वे होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि दुआबा और माझा में आम आदमी पार्टी को और मेहनत की जरूरत है? नहीं, इस बार तीनों जगह अच्छी पोजीशन है। मैं मतलब कोई आपके चैनल पे गलत नहीं बोल रहा, हमारे सर्वे रोज आते हैं और तीनों जगह इस बार बहुत अच्छी पोजीशन है। हमारे कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे हैं, कैंपेन भी अच्छा चल रहा है, लोगों को उम्मीद भी बहुत है हमसे। क्या किसान पार्टी आपका वोट डैमेज कर रही है? जो भी ऐसा वोट है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो नेचुरली हमें पड़ेगा, और वही उसमें से एक थोड़ा बहुत हिस्सा किसानों को भी पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत वोट तो जाएगा उनकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल यही था कि अब की बार कितना पार? जोड़ी बैठी है, जोड़ी से ही पूछ लेते हैं। जो जनता देगी वो सर माथे पे, जनता का आदेश सर माथे पे। सर्वे क्या कहते हैं, आप रोज सर्वे करवा रहे हैं, एक नंबर दे दीजिए जनता को। नहीं, कोई नंबर नहीं, हमें उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत देंगे, अच्छा बहुमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब टाइम निकाला भगवान जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जिस राह की तलाश में आम आदमी पार्टी
उस शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बार मार्च के महीने में जनता ये तय कर देगी कि वो शिखर उनके लिए कितना नजदीक है या कितना दूर। ABP News आपको रखे आगे।